अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ अलीज़ा और आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े की मीठी रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको गुलगुले कहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं कि हमने इनके लिए कौन सी चीज़ें लेनी है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट से रेडी होने वाली ये रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ पे देखिए मैंने पैन ले लिया है, अब इसमें हम चीनी ऐड कर लेते हैं। चीनी जो मैंने ली है यहाँ पे, मैंने ली है 1/4 कप। चलें जी ये इसमें ऐड कर लेते हैं। ये देखिए 1/4 कप ये इस पर लिखा होगा, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है कप के 1/4 कप। तो चलें जी अब इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। पानी जो है मैंने 1/2 कप लिया है। तो चलें जी इसका शीरा बना लेते हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा बस पकाना नहीं है, सिर्फ इसकी चीनी को हमने मेल्ट करना है। तो चलिए चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। फ्लेम मैं ऑन कर लेती हूँ अभी। चीनी को जो है जल्दी से हम मेल्ट कर लेते हैं। सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट करना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जल्दी से चीनी को मेल्ट कर लेते हैं और फिर उतार लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने आटा ले लिया है। आटा जो है मैंने 1 कप लिया है। तो जो हमारा शीरा है वो रेडी हो गया है। अब इसको जो है हम इसमें गूंथ लेते हैं। ये देखिए शीरा जो है वो इस तरह से रेडी है। ये देखिए अब इसको जो है हम इससे गूंथ लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा करके ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से, और इसको हम इस तरह मिक्स करते जाएंगे। चलिए शीरा जो है मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप जो है वो पानी और ले लेते हैं। चलिए जी 1/2 कप पानी और ले लिया है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। चलें जी अब इसमें और ऐड कर लेते हैं। इस पे इसके पेस्ट जो है वो आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बहुत पतला भी नहीं करना। इसको बहुत अच्छा सा जो है वो आपने पेस्ट बनाना, ताकि हमारे जो गुलगुले हैं वो बहुत अच्छे से बने और बहुत अच्छे से फूलें। ये देखिए अभी इसका ये देखें, ये बहुत ही अभी गाढ़ा है। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मैंने एक पूड़ों की रेसिपी लगाई है, वो भी मैंने बहुत ज़बरदस्त बनाए थे, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। उसमें भी बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना पड़ता है, ताकि जो हमारे गुलगुले हैं वो बहुत अच्छे से बने। पूड़े जो हैं उनको भी मैंने इसी तरह से मिक्स किया था, तो वो बहुत ज़बरदस्त हमारे बने। तो चलें जी जल्दी से मिक्स कर लेते हैं इसको और इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा सा चिपक रहा है, इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर। चलें जी थोड़ा सा पानी ऐड करके देखते हैं। एकदम से पानी इसमें ऐड नहीं करना आपने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी सी बने। देखिए अब अच्छी तरह से मिक्स 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 करते जाएंगे। चलो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें इस तरह से अब इसको मिक्स करते हैं। और हम बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत से झटपट बनने वाले गुलगुले हैं ये। अगर कुछ मीठा खाने को दिल करे तो बहुत ही जल्दी से ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो चलें जी इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देते हैं और फिर उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए जी 10 मिनट तो इसको तकरीबन हो चुके हैं, और अच्छी तरह से जो है ना हमने इसको और मिक्स करना है। इस तरह से थोड़ी देर मिक्स करते जाएंगे इसको 5 मिनट। अब ये बिल्कुल गर्म नहीं हुआ, अब इसको थोड़ा सा और गर्म करते हैं। ये फुल गर्म होना चाहिए ऑयल, फिर इसमें हम अपने गुलगुले ऐड करेंगे। ये देखिए जी ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। ये देखिए ये जो मैंने इसमें टेस्ट के लिए डाला था ये ऊपर आ गया, इसका मतलब ऑयल गर्म हो गया है। तो चलें जी अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करते हैं। इसको हम चम्मच के साथ ही डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ही जगह पर इसको इस तरह से डाल लेंगे। चलें जी इसको हम हाथ से भी डाल सकते हैं।
चलिए जी इनको फ्राई कर लेते हैं एक तरफ से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनको साइड चेंज करके। ये देखिए जी अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह फूल चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं इस तरह से। चलिए जी जल्दी से इनका जो है वो ब्राउन सा कलर आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो है अब इसको हम उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसी तरह ही ये देखें जी बहुत ही मज़े के गुलगुले जो हैं वो रेडी होते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें कितने ज़बरदस्त फूल चुके हैं। ये देखें इस तरह से। चलें जी बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।